आज है इहाब का रिजल्ट। हमारा ये 2 महीनों का सफर अच्छा था, पता है मुझे लगा नहीं था रिजल्ट आएगा। हाँ पर सच में मैं पास हो गया, मुझे लगा नहीं था। मतलब है ना, तुम लोग ने अगर मेरी पिछली वीडियो देखे रहेगी, अगर तुम लोग को ये वीडियो देखना है ना पूरी, तो पहले जाके मेरी पिछली वाली वीडियो देखो, मोदी जी जीत गए वाली, ये मैं आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो जाके देखो, फिर तुम लोग को पूरा समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आज मेरे रिजल्ट थे HSC बोर्ड महाराष्ट्र, तो मैं पास हो गया और मतलब बहुत एकदम हाई फीलिंग आ रही है। मतलब मेरे को लगा नहीं था, मैंने ना मतलब जो भी पूरे साल किया ना, मेरे को उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं मतलब पास हो पाऊंगा, समझे। और मैंने पर लास्ट के 3 महीने पढ़ा। लोग बोलते नहीं लास्ट के 3 महीने पढ़ ले, बट मैंने लास्ट के 3 महीने ही पढ़ा। मैं तुम्हें को बता दूँ, वन सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। परसेंट कितना है बताता हूँ। पहले सबसे ज्यादा मैं पूरे मार्क्स नहीं बताऊंगा तुम लोग को, इट इज वेरी एम्बैरसिंग। कितने आए मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आए और सबसे कम मार्क्स इसमें आए वो बताता हूँ। सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे आए हैं इंग्लिश में। Am I an English person? सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे आए इंग्लिश में 70 और सबसे कम मार्क्स आए मुझे मैथमेटिक्स में 41। That is embarrassing. अभी आजकल मैं थोड़ी इंग्लिश गालियां भी सीख रहा हूँ, तो टॉक विथ मी इन इंग्लिश यू सन ऑफ। बेसिकली मुझे परसेंटेज आए 56 और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था इतने परसेंटेज आएंगे। जो भी मैंने पूरे साल भर किया हो, जो भी मैंने मतलब तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे था, जाके फॉलो करो। जो भी मैंने किया हो, लोग मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो, मैं वीडियोस बना रहा था, मुझे कैमरा मिल गया था, मतलब मैं पागल हो गया था और मैं भटक चुका था। बट यस, प्रीलियम्स होने के बाद मुझे समझ में आया, अरे यार इहाब तेरा पढ़ के तो कुछ भी नहीं हुआ। और वो नवंबर आ चुका था, दिसंबर जनवरी फेब में पेपर थे, ये 3 महीने जो मैंने मतलब फाड़ा हूं ना, मतलब जो निकला हूं ना मैं, जो मतलब इतना भारी पोर्शन लेके, तो मेरा ये हाल निकला है। तो समझ लो मैंने 3 महीने में ही जो कुछ भी किया हो 3 महीने में ही किया। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम और ये फोटो मैंने डाला था 20 नवंबर। उसके बाद ये डायरेक्ट मेरी पोयम आई थी 8 मार्च को, मतलब 2019 के 8 मार्च को किया था। मतलब 30 नवंबर से मैंने पूरा 8 मार्च तक कुछ भी इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं किया था। हाँ, मैंने पूरा पोर्शन तो कंप्लीट नहीं किया था, बट मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब ऐसे पास होने जितना मैंने पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। और जैसे कि तुम लोग को मार्क्स पता चल गए, मेरे सबसे ज्यादा इंग्लिश में आए थे जैसे कि 70, सबसे कम आए थे मैथमेटिक्स में, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। अगर आप साइंस में हो और आप 12th में जाने वाले हो, तो मैं एकदम सही नसीहत दूंगा, सही मतलब एक एडवाइस दूंगा कि मैथ्स अगर लिए हो तो प्रैक्टिस जरूरी है, रोज प्रैक्टिस करो। क्योंकि मेरे को 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में 88 आए थे और अभी मेरे को मैथ्स में 41 आए, तो मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि मैंने कितनी प्रैक्टिस कम कर दिया रहूंगा। तो मैथ्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और रिविजन बहुत जरूरी है। तो मतलब थोड़ा सा सीरियसली लो, एकदम भी इसमें मत उड़ाओ, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कसम से कि मतलब है ना, मैं लास्ट के लास्ट 3 महीने पढ़ के और इतना पास हो पाऊंगा, क्योंकि मैं क्लासेस ट्यूशंस कुछ भी नहीं जाता था, मैंने कुछ ये हरकत किया था। पाइट सी टाइट हो चुकी है मेरी, पूरी वाट लग गई है। मैं क्लासेस देखने गया था, जो क्लासेस में मैं 10th में जाता था, अभी भी वही देखने गया था मैं। रे बाप वाट लग गई पूरी। पर ये टाइप अगर मैं क्लासेस नहीं जाता हूँ 12th में, तो क्या होगा ये आप देखेंगे 10 साल बाद। तो मैंने ना, और जो मैंने मेरे फर्स्ट डे का कॉलेज का 12th का डे रिकॉर्ड किया था, मैंने इहाब डे चालू किया था, तो मैं 60 डेज लगातार ब्लॉगिंग किया था इंस्टाग्राम पे, तो वो जाके तुम लोग देख सकते हो बाद में, पहले ये देख के जाना। तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग किया था, पहला दिन भी मैंने रिकॉर्ड किया था। तो आज से कॉलेज शुरू होने वाली है, और मैंने सोचा कि अभी 12th में चले गए तो कुछ नया रेवोल्यूशन चालू करते हैं। अभी हर सुबह आके एक्सरसाइज करेंगे, इंशाल्लाह लंबी जाए, अच्छी जाए। निकल पड़ा हूँ कॉलेज की तरफ,
ये बारिश रुक ही नहीं रही है, ये बारिश है ना क्या बताऊं। फर्स्ट डे था तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस टाइम पास हुआ, टीचर्स ने लेक्चर्स दिए जो हमेशा फर्स्ट डे के दिन दिया जाता है, बाकी ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। ट्वेल्थ है तो पढ़ाई तो ज़रा करनी पड़ेगी ना। तो ये बहुत ही मेमोरेबल रहने वाला है कि मैं रिजल्ट का दिन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो दिन मैं ट्वेल्थ में गया था वो दिन भी मैंने रिकॉर्ड किया। मतलब कितना मेरे बच्चों को दिखाऊंगा, देखो सालों 3 महीने पढ़ के तुम्हारे बाप ने कितना 56% लाया, पास हो गया विदाउट ट्यूशन विदाउट क्लासेस। जिसको 90% आए खुश मत हो ज्यादा, तुम भी यही हो हम भी यही है, सब कुछ ना कुछ कर ही लेंगे लाइफ में। तो अब क्या यहाँ अब क्या करने वाला है लाइफ में, यहाँ लाइफ में क्या करने वाला है। मतलब यहाँ ने साइंस से 12 दिया है, उसको 56% आए, इंजीनियर डॉक्टर क्या बनने वाला है यहाँ। यहाँ कुछ भी नहीं बनने वाला है, यहाँ सीधा अभी केले के रेडे खोलेगा, ए बिस्का आधा दर्जन। तो वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, बट बहुत टाइम बाकी है, अभी कॉलेजेस चालू होने वाली है, तो जब कॉलेज जाऊंगा तब पता चल जाएगा क्या करने वाला हूँ। क्योंकि कंटेंट इज द किंग, और कंटेंट बचा के रखो, क्योंकि कंटेंट बचा के रखना चाहिए यार। धीरे धीरे एक ही साथ में सब निकाल दूंगा तो अच्छी बात है क्या। हाँ मेरे पास कुछ बचेगा क्या। और यहाँ आपने ऐसे क्या किया जो उसको 56% आए, वो हम देखेंगे अभी। क्या अभी मैं कुछ लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे मेरी फीस भरी और मुझे कॉलेज भेजा क्योंकि मैं HSC पास हो चुका हूँ, और मेरे भाई जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्त उबैद अनिकेत ओसामा जो लोग मेरे साथ हमेशा थे पार्टी करने के टाइम पे, हम जैसे ही प्रैक्टिकल्स होते थे पार्टी करने जाते थे ये कर रहा था मैं, और मेरी कॉलेज जिसने मुझे मेरी फीस के बदले इंटरनल मार्क्स देने की मेहरबानी की। सामने है वो जगह जहाँ पे मैं मेरी परीक्षा परफॉर्म करता था, मेरा सेंटर ये है, सेंट मैरी स्कूल, सेंट मैरी कॉलेज, जूनियर कॉलेज। तो सेंट मैरी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच अ नाइस क्लासरूम, फॉर थोड़ा थोड़ा देखिंग, थोड़ा थोड़ा सब लोग से पूछिंग, थैंक यू वेरी मच। और मैं बाहर निकला था, मेरी दोस्त है जो है बहुत स्कॉलर, श्रुति द स्कॉलर, तो उसका परसेंटेज पूछने क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, मैं उसके घर पर गया था और उसको आया है मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज, और मैं उससे बहुत जेलस हूँ, तो उससे ही चपड़ चपड़ करते करते पूरा टाइम निकल गया। तो अभी मैं निकला था वही बताने के लिए कि मैं मेरा परसेंटेज इतना कम क्यों आया। तो मैं यही सब कर रहा था, इधर पे खेल रहा था, इधर पे ब्लॉगिंग कर रहा था, मस्त मिनी शिशोर पे घूम रहा था। एक बार आया भी था मैं मिनी शिशोर पे, सब लोग अपनी उनको लेके आते हैं मिनी शिशोर पे। तो मैं बोल रहा था सब लोग अपनी उनको लेके आते हैं मिनी शिशोर पे, एक बार मैं भी आया था मिनी शिशोर पे लेके मेरी साइकिल को। ये ब्लॉग मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि ये बस मेरी अपडेट टीक है, मतलब मैं पास हो चुका हूँ, और मतलब वीडियोस आएंगे अभी एकदम धमाकेदार वीडियोस, एकदम फाड़ू वीडियोस, एकदम स्मैश वाले वीडियोस आएंगे। तो चलो अभी घर पे फटाफट इफ्तारी का टाइम होने वाला है, 1 2 3। तो ये कुछ हाल हो जाता है मेरे बालों का, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं ऐसे बाल नीचे नहीं रखूंगा, बट अभी रखेंगे ये वाले बाल है ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा क्यूट दिखता हूँ। That's what she said. 3 hours later. ये वीडियो में मैं ज्यादा की तरह गया नहीं क्योंकि मतलब कुछ प्लान ही नहीं था, बस मेरे को लगा नहीं था कि आज रिजल्ट्स आ जाएंगे, मेरे को लगा था 30 को ही आएंगे, बट आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो ये पोयम थी एक जो मैंने जब लिखा था तब मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ नहीं हो पाएगा, बट है ना मेरा मेन मोटिव मतलब ये सब चीजें बोलने का था कि करो, अगर तुम्हारे पास एंड से एंड टाइम भी बचा है ना, पढ़ो जितना हो सकता है उतना पढ़ो, अगर मेहनत करोगे तो निकल जाओगे। ये मैंने तो सीख लिया क्योंकि मैंने 3 महीने में मुझे पता है मैंने नवंबर 26 से कैसे किया हूँ मुझे पता है। तो ये पोयम थी कि मतलब सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी अगर मैं हो गया फेल। तो पोयम का टाइटल ये इफ़ आई फेल, मैं मेरी नोट्स में लिखता हूँ क्योंकि फिर मैं वो सब थॉट्स आते हैं फिर उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, तो फिर मैं उसको फिर से ये नहीं कर पाता हूँ।
रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं मेरी नोट्स में लिखता हूँ, तो मैं उसको रट्टा नहीं कर पाता, तो बहुत ये होता है. तो सुनो, पोएम सुनो. इफ़ आई फेल दे विल कॉल मी द स्लो स्नेल. दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज नॉट अ टेल, इट्स रियलिटी इफ आई फेल. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बिकॉज दिस ईयर विल बी वेस्ट इफ आई फेल. सब्जेक्ट्स वेर हार्ड, इफ आई फेल आई विल बी कॉल्ड एज अ रिटार्ड. पीपल आर ट्रूली स्मार्ट अराउंड मी, माई पेरेंट्स मेड मी किंग एंड क्राउंड मी. वन सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, बिकॉज आई एम द फ्यूचर. तो ये पोयम थी, मतलब समझ लो अगर तुम लोग मोटिवेट हुए ये पोयम से, तो मतलब समझो मेहनत करो. अगर तुमको ऐसा लगा है, अगर तुम चले भी गए हो एक दो सब्जेक्ट में, तो मेहनत करो, हो जाएगा क्लियर, आराम से हो. That was it for the vlog and I hope you guys liked the video. If you guys did, make sure to give it a big fat thumbs up. And if you're not part of Ihab, then smash the subscribe button and smash it and be a part of Ihab. So I'll see you.